Hey guys, welcome to English is Must. Guys, हम vocabulary की series start कर रहे हैं आज से. हमने pronunciation की series already start कर दी है और synonyms की भी series start हो चुकी है. अब ये है series vocabulary पर emphasize किया जाएगा, vocabulary पर focus किया जाएगा. मतलब कि इस series में कोई synonyms नहीं होंगे, कोई pronunciation नहीं होगी, बस word होगा, उसकी meaning बताई जाएगी और plus उसका example दिया जाएगा, ताकि आप वोकैबुलरी स्ट्रेंथन कर सके अपनी, राइट. और गाइज, वोकैबुलरी की ये जो सीरीज है वो 3 लेवल्स में स्ट्रेटिफाइड है. स्ट्रेटिफाइड मतलब क्लासिफाइड है, यानी कि 3 हिस्सों में बटी हुई है. फर्स्ट लेवल है जैसे बेसिक लेवल, सेकंड इंटरमीडिएट लेवल यानी कि मीडियम लेवल, और थर्ड लेवल है एडवांस लेवल. जो फर्स्ट लेवल बेसिक लेवल मतलब जो बेसिक इंग्लिश के लिए, मतलब बेसिक लेवल जिनका इंग्लिश का इम्प्रूव करना चाहते हैं जो लोग. इंटरमीडिएट लेवल मतलब जिनके बेसिक्स क्लियर है, अब वो मीडियम यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पर जाना चाहते हैं. और थर्ड एडवांस लेवल, जिनके बेसिक इंटरमीडिएट दोनों क्लियर है, अब वो एडवांस इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं. गाइज, पहले आप पूरी वीडियो देखना बेसिक लेवल की, तब आपको पता लगेगा कि आप बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं या फिर इंटरमीडिएट या एडवांस्ड. ओके, दिस सीरीज स्टार्टेड बाय अर्पिता मित्तल. सो लेट्स गेट टू इट, लेट्स रोल द क्लिप. गाइज, फर्स्ट वर्ड है डस्क. आपने सुना होगा, एक गाना भी है डस्क एंड डॉन. जो डस्क है इसका मतलब क्या होता है, जब शाम हो जाती है ना, लास्ट जो डार्केस्ट पार्ट ऑफ द इवनिंग, मतलब शाम का भी जो सबसे अंधेरे वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं डस्क. आई एंजॉयड वॉचिंग सनसेट गो डाउन बट लेफ्ट द पार्क राइट बिफोर डस्क. मतलब मैं अंधेरा, जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है उससे पहले निकल गई. उससे पहले मैंने क्या किया था, सनसेट को एंजॉय किया था. नेक्स्ट इज डॉन. वो वाला डॉन नहीं है, इट्स DAWN डॉन. मतलब सुबह की सबसे पहली झलक, मतलब सबसे पहले जो स्टार्ट होता है सूरज. वी रोज अप बिफोर डॉन एंड सेट आउट टू पार्क. कुछ लोग होते हैं ना कि सूरज निकलने से पहले ही, जस्ट मतलब जब निकलने ही वाला होता है उससे पहले हमने क्या किया, घर से निकल के पार्क की तरफ. नेक्स्ट मीन टाइम. मीन टाइम होता है इतने में, मीन वाइल भी बोलते हैं इसको. मतलब जैसे हम बोलते नहीं कि तुम यार ये काम कर लो, इतने में मैं ये काम कर लेती हूँ, तो वो इतने में की क्या इंग्लिश है, मीन टाइम, या फिर फॉर नाउ भी बोल सकते हैं. एलिगेशंस मतलब इल्जाम लगाना, लेकिन विदाउट एनी प्रूफ, जस्ट हमने सिर्फ एक्यूज किया है उस इंसान को. एक्यूज भी क्या होता है, इल्जाम लगाना होता है. तो विदाउट एनी प्रूफ यानी कि कोई सबूत नहीं है हमारे पास, बस हमने अभी इल्जाम लगाया उस पर. शी मेड एलिगेशंस ऑफ हैरेसमेंट अगेंस्ट हर कलीग. उसने अपने कलीग के ऊपर इल्जाम लगाया किस चीज का, हैरेसमेंट का. नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोबलाइजेशन. ये बहुत आता है वर्ड. एलपीजी आपने सुना होगा, 1991 में आया था, जिसकी फुल फॉर्म थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट. उसमें से ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, कि इंडिया ने अपने ओपन किया था मार्केट इंटरनेशनली, मतलब हमने लेन देन यानी कि ट्रेड इंटरनेशनली स्टार्ट कर दिया. मतलब हम यहाँ से सामान भारत कंट्रीज को बेचेंगे और प्लस उनका सामान भी हम लेंगे, और प्लस सामान के अलावा हम और जो कंपनीज है बाहर की उन्हें इन्वेस्ट करने देंगे अपने यहाँ, और हम भी बाहर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप होता है, बट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ग्लोबलाइजेशन तो वो भी एक क्राइसिस बन जाता है. तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. फियर्स अबाउट द इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. मतलब डर है कि जितना तेजी से बढ़ रहा है ना ग्लोबलाइजेशन, उसका डर है. नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन बहुत सिंपल है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक जो चीजें हैं उनको हम प्राइवेट में चेंज करें. जैसे बैंक्स, बहुत सारे पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम किस में चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइवेट में, तो वो क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा. द वर्कर्स आर अपोजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ द नेशनल रेल कंपनी. वर्कर्स क्यों अपोज कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सबको पसंद है,
इसीलिए वो अपोज कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को. ब्रोकन इंग्लिश बहुत इजी है. टूटी फूटी इंग्लिश मतलब टूटी फूटी का क्या मतलब है? टूट रखी है क्या कहीं से? नहीं, इसका मतलब है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, आप इसमें मिस्टेक्स करते हो बोलते वक्त, अटकते हो. इन ब्रोकन इंग्लिश शी आस्क्ड देम फॉर डायरेक्शंस, मतलब उसने टूटी फूटी लैंग्वेज में रास्ता पूछा जाने का. शर्कर, काम को टालने वाला. ऐसे बहुत लोग होते हैं जैसे जो मतलब काम को बोलो टालते रहते हैं. तो वी हैव नो रूम फॉर शर्कर्स इन दिस ऑफिस. ऑफिस में, हमारे ऑफिस में क्या है, कोई रूम नहीं है शर्कर्स के लिए, मतलब उनको जगह नहीं दी जाएगी. दे आर यूजलेस. आओ द, आर साइलेंट है. आओ द, और मतलब एक स्मेल, ज्यादातर ये बदबू यानी कि अनप्लेजेंट स्मेल पे इसका यूज किया जाता है. एन ऑर्डर ऑफ सिगरेट स्मोक. नेक्स्ट रिवॉल्टिंग. रिवॉल्ट मतलब क्या होता है? रिवॉल्ट मतलब लड़ाई, तो रिवॉल्टिंग मतलब लड़ाकू. हर रिवॉल्टिंग बिहेवियर इज क्लियरली विजिबल टू अदर्स. उसका जो लड़ाकू स्वभाव था वो सबको साफ साफ दिख रहा था. बैक बाइटिंग, चुगली करना. एक मैंने कई लोगों को सुना है वो बैक पिचिंग बोलते हैं, वो गलत है. इसका राइट वर्ड है बैक बाइटिंग. दे बैक बाइट अबाउट देयर कलीग्स. क्या करते हैं हम सब लोग ही करते होंगे आई थिंक सो. हम सब बैक बाइट करते हैं. तो दे ब्रेक बैक बाइट अबाउट देयर कलीग्स, मतलब जो ऑफिस में काम करने वाले ओल्ड लोग हैं उनके बारे में चुगली करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज थ्रोटल और स्ट्रैंगल. इसका क्या मतलब होता है? गला घोटना. द विक्टिम वॉज स्ट्रैंगल्ड विद द स्कार्फ. उसका गला कैसे घोटा गया? एक स्कार्फ के थ्रू. विक्टिम का यानी कि जिसको मारा गया. नेक्स्ट टेम्पर. टेम्पर होता है मतलब कैसे स्वभाव के, आप एंग्री नेचर के हो, काम नेचर के हो, कैसा मूड है आपका, काम है एंगर है, एंग्री है. ही रश्ड आउट इन अ वेरी बैड टेम्पर. वो भागा कैसे? एक बहुत ही बुरे टेम्पर में, मतलब गुस्से में. रिडंडेंसी. रिडंडेंसी मतलब जो चीज अब इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल जरूरी ना हो. 60 वर्कर्स कुड फेस रिडंडेंसी बिकॉज द फर्म इज रेलोकेटिंग. इसको रिलोकेटिंग नहीं बोलना है, इट्स रेलोकेटिंग. 60 वर्कर्स को अब क्या, उनकी जॉब हट जाएगी क्योंकि फर्म क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है. नेक्स्ट वर्ड रेलोकेट में क्या लिखा है? रेलोकेट का मतलब है शिफ्ट हो जाना नई जगह पर. तो जब फर्म यानी कि कंपनी रेलोकेट हो जाएगी तो जो वहां पे वर्कर्स जो यहाँ पे रहते हैं वो वहां पे काम करते हैं वो क्या हो जाएंगे, उस कंपनी के लिए जरूरी नहीं रहेंगे. तो रिडंडेंसी मतलब होता है जरूरी ना रहना. इसका यूज आप ऐसे कर सकते हो जैसे आपको बोलना है कि, या फिर आपके बॉस बोलते हैं कि अब नाउ यू आर रिडंडेंट, मतलब कि आप हमारे लिए अब जरूरी नहीं है इस कंपनी के लिए. रेलोकेट हमने डिस्कस कर लिया, मतलब शिफ्ट हो जाना. टेंडर, दयालु, ये दिल का अच्छा होना. He was being so kind and tender. बहुत इजी है. Next is abruptly, अचानक से. The police caught thief abruptly. Abruptly मतलब suddenly. अचानक से पुलिस ने चोर को पकड़ लिया. अमेंड, सुधार करना. अमेंडमेंट सुना है ना, अमेंडमेंट, बिल की अमेंडमेंट करते हैं, मतलब उसमें कुछ और चेंजेस कर रहे हैं पॉजिटिवली. सम इंडियन लॉज मस्ट बी अमेंडेड, राइट. कुछ इंडियन लॉज को क्या होना चाहिए, अमेंड कर देना चाहिए, उन्हें सुधारना चाहिए. अलाय, फ्रेंड. अर्लियर ही यूज टू बी माई अलाय, पहले वो मेरा फ्रेंड हुआ करता था या हाँ करता था. ग्रीवेंस, शिकायतें. कुछ भी गलत हुआ है तो हम जैसे कोई खाने की चीज होती है तो अगर उसमें कुछ ऐसे पदार्थ है या फिर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं FSSAI को. थ्री पायलट्स हैव फाइल्ड ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द कंपनी. तो तीन पायलट ने कंपनी के अगेंस्ट शिकायत दर्ज कर दी है. सो गाइज, ये थे आज की सीरीज पार्ट 1, बेसिक लेवल ऑफ वोकैबुलरी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द अपकमिंग वीडियोज. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.